तो जी आप कुछ ये सोच रहे होंगे कि बंदा पानीपत तो गया नहीं, सोनीपत कह के श्याम बाबा जी के दर्शन करा दिए, ठीक है। तो भाई सीन कुछ ऐसा था, कैमरा ऑन नहीं कर पाया इस वजह से क्योंकि सामने वाले की भी परमिशन होनी चाहिए, ठीक है, पहली बात वो। दूसरी बात, वहाँ बारिश बहुत हो रही थी, पानीपत जाते समय बारिश बहुत हो रही थी, तो दूसरा पॉइंट वो। और छोटी सी क्लिप है, वो मैंने बनाई थी, वो आपको दिखा दूंगा। फ्लाईओवर के नीचे ही है, पानीपत का जो फ्लाईओवर है वहीं की है, तो वो ज़रूर देख लेना। इसके बाद जो डलेगी ना वो वही डलेगी, तो आप देखना ज़रूर। जाम भरी जिंदगी दिल्ली में, यही सबसे बड़ी आफत है, जाम ही जाम। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इससे। मिलने तो जरा, मार्केट इतनी बड़ी है यहाँ पे, यहाँ बैठे बैठे जाम में 200 मीटर हार्डली नहीं आए अब बाहर तक। पहाड़गंज में पता नहीं क्या हाल हो रहा था। खैर भाई साथ में पहाड़गंज जा रहे हैं सामान सामून देखने, कुछ मिल जाएगा तो बढ़िया है, सही रेट में। देखा, देखते हैं क्या मिलता क्या नहीं मिलता। भाई रिक्शा बढ़ा दी भाई ने, पीछे वाले ने पीछे देख के मारी सीधा, क्या ही कह रहे भाई। ले भाई फिर जाम, फिर जाम मिल गया अपने को। यार ये पता नहीं क्या जिंदगी में, खाली लाल बत्ती है, जैसे आगे बढ़ना है वैसा हो जब भी लाल बत्ती। अपने को जाना उस साइड, चलो कमर ओवर के लिए तो कौन सी सही लगी, ये वाली ये वाली ये वाली एक तो ये डिज़ाइन है, एक ये वाला। और क्या क्या रेट बताया आपने? रेट तो भी बताया नहीं, तीनों का एक ही रेट है। तीनों का एक ही रेट है, 850 की है। अच्छा चलो देखते। पचपुनिया मेट्रो स्टेशन यानी कि आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन। और भाई कुर्सी चूज़ कर ली है अपन ने, ये वाली सेलेक्ट की है, हैवी ड्यूटी यार। फोकस फोकस, ज़रा नज़ारा देना। हाँ हाँ क्या बात है,
टेबल बड़ी पसंद आ रही। और भाई जी, क्या हाल चाल आप सभी के? जय श्री राम सभी को। दो दिन से ना दिक्कत हो गई थी बहुत भयंकर इसकी। ये जो मोटर देख रहे हो ना, ये मोटर खराब हो गई पानी की, बड़ी समस्या है। वैसे तो कल रात को ले आया था मैं, और देखो अब ठीक हो जाए। अच्छा भाई, ऊपर अभी खाना खाने गया हुआ, वेट करते हैं फिर लगवाते हैं इसे घर पे, घर फ्लैट पे। ये देखो कितने टेढ़ा मेढ़ा करके भाई अंदर गाटर लेकर के जा रहा है। हाँ जी गाइस, सवेरा हो गया जी। अरे देख रहे हो ना पीछे, ये आ गई अलमारी, अलमारी नहीं कुर्सी। और इसका भी अभी बताऊंगा रेट कितने के लिए है। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो बिछवंटी देख रहे हो ना आप, और ये जो हल्के हल्के से कलियाँ खिल रही हैं इसमें पौधों फूल की, ये इन सबों में है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ये पहले नहीं थी, अभी ये हफ्ते 10 दिन के अंदर ही हुआ ये सब। और ये घनी भी हो गई, बड़ी भी हो गई काफ़ी। ये फूल जब खिलेंगे ना तब दिखाऊंगा। और एक है ना पौधा है ना यार, ये समी का पौधा तोड़ गया ये यहाँ से, ये देख रहे हो ना यहाँ से तोड़ गया यार, बड़ा दुख हुआ। थोड़ी बहुत नई कली आ रही हैं इसमें, नए फूल फाल आ रहे हैं, फूल तो गए आ रहे हैं, पत्ते आ रहे हैं। ठीक है जी, यही दिखाना था अभी आपको। और है ना इस कुर्सी के बारे में बता दूं भाई, ये कुर्सी है ना मैंने ना दरवाज़ा बंद कर दिया, लाइट खोल लूँ जरा। हाँ ठीक है। तो जी ये जो कुर्सी है ना, सेम यही कुर्सी मैंने वहाँ नरेला पे देखी थी, नरेला हाईवे पे, जीटी रोड पे। तो वहाँ से लाने ले जाने का कुछ दिक्कत थी, परेशानी थी, तो ये था। और मेरे पे सामान भी कम ही था, तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा, तो इसलिए मैंने वहाँ से ली नहीं। फिर यहाँ पे पहाड़गंज पे और झंडे वालन पे दुकानें हैं कुछ, मैंने वहाँ पे भी ट्राई करा, वहाँ पे 850 रुपये, और 850 रुपये से कोई बंदा 1 रुपया कम ना करे। फिर मैंने फ़ोन घुमाया चाचा को, ठीक है, मेरे चाचा ने, उन्होंने बताया मुझे कि आर के आश्रम वहाँ पे 4-5 दुकानें थी, वहाँ से देखी और वहीं पे रेट भी सही लगा लिया उनने, जितना मुझे वहाँ से पड़ता उससे थोड़ा कम ही पड़ा, पर बात बन गई। ये मुझे पड़ गई 700 रुपये की। हाँ हो सकता है कुछ मैंने 150 रुपये ज़्यादा दे दिए, तो भाई ये समझ लो मेरा नरेला से लाने का जो खर्चा था वो बच गया, ठीक है। और बाकी सही रेट मिल गया मुझे सही लगा। और 5 साल की वारंटी है इस पे टूटने फूटने की, और वहाँ पे मुझे वो 3 साल की वारंटी दे रहे थे झंडे वालन पे, जो शॉप है वो 3 साल की दे रहे थे, और वहाँ पर भी मुझे 5 साल की मिल रही थी नरेला पे, ठीक है। तो अब ये मिल गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अप्रॉक्स क्या टाइम हो गया, 11:45 बज रहे हैं जी, 11:45 बज रहे हैं, और नहाने का समय हो चुका है। अब आप सोचोगे कि नहा इतनी लेट क्यों रहा है, नहा इसलिए लेट रहा हूँ क्योंकि श्राद्ध चालू हुए हुए ना, तो श्राद्ध में मैं थोड़ा लेट ही नहाता हूँ क्योंकि कपड़े धोने का दिक्कत रहती है। तो अपने कपड़े मैं, समझ रहे हो ना, मैं खुद ही कर लेता हूँ, तो इसलिए ना धोने का जो चक्कर है ना, इसलिए थोड़ा लेट नहा रहा हूँ मैं, तो नहीं लेट ही नहाता हूँ थोड़ा सा श्राद्धों में। बाकी और टाइम तो सर्दियों में तो बस क्या ही कहने, पर नहाते ज़रूर ना, ऐसी हो नहीं है कि हाँ जी नहाते ना हो, नहाते ज़रूर है भाई, नहाना ज़रूरी चाहिए, तन की सुरक्षा के लिए नहाना ज़रूरी है। तो हाँ जी, फिर लगता है ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि मैं 10-12 मिनट से ज़्यादा का ब्लॉग नहीं बनाता। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा भाई, पेड़ पौधे ज़रूर लगाया करो, ठीक है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने भी लगा रखे छोटे मोटे, कुछ भी लगाओ पर लगाए ज़रूर करो यार, भले ही एक पौधा लगा लो या दो लगा लो, जितने आपको ठीक लगे पर लगाया ज़रूर करो, ठीक है। तो जी फिर नहा धो करके मिलते हैं आपको, फिर किसी नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ध्यान रखें और पौधे ज़रूर लगाएँ।